इस टाइप पर हम उनसे जो अप्रोच कर सकते हैं वो राय लेने के साथ साथ अप्रोच कर सकते हैं, यानी उनसे राय मांग सकते हैं अपने जी जो युवा हो गए ना, यानी हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत इफेक्टिव और अच्छा तरीका है कि हमारे से जो भी बड़े लोग हैं हमको उनसे कॉन्टेक्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो हम उनको सीधा ये लाइन अगर बोलेंगे तो वो लोग आपके 101% आपकी बात सुनेंगे और आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको 5 तरीके बताता हूं। जैसे पहला तरीका है कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं और मैं उस प्रोजेक्ट के लिए लेकर बहुत सीरियस हूं, तो मैं चाहता हूं कि क्या आप मुझे अपनी राय देंगे, मतलब इस बिजनेस को समझाने के लिए क्या आप मुझे अपनी राय देंगे। ये पहला तरीका हुआ, एकदम इजी तरीका, आप अपने से कुछ बड़े कह सकते हैं। सेकेंड जो इफेक्टिव तरीका है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ने एक बिजनेस ढूंढा है जिससे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाऊंगा, लेकिन उसमें पूरी तरीके से डूब जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपने से कुछ बड़ों की राय ले लूं, और इसलिए मैं आपकी राय पाना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपनी एक्सपर्ट राय देंगे। हाँ, आप अगर ऐसी लाइनें कहते हैं ना, आप अपनी मुझे एक्सपर्ट राय देंगे, एक्सपर्ट राय देंगे, तो उससे जो प्रभाव पड़ता है कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हाँ यार मैं एक राय देने वाला हूँ, तो वो 100% आपके पास में आएगा ही आएगा। थर्ड चीज है कि वो कहेंगे, आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप जिन लोगों की इज्जत करते हैं, जिन लोगों को आप बड़ा मानते हैं, उन लोगों से आप राय लीजिए। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं आपसे अपनी एक्सपर्ट, आपकी एकदम सुपर राय में आप मांगना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से मैं बिजनेस को और अच्छे से कर सकता हूँ, या इसमें क्या क्या मुझे सुधार करना चाहिए। फोर्थ तरीका मैंने आपको बता दिया। थर्ड तरीका, फोर्थ, आप उनको कह सकते हैं कि अभी आपके इलाके के अंदर भी हमको काम करना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या आप मुझे ये राय दे सकते हैं कि ये आपके इलाके के अंदर सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा, क्या क्या इसके अंदर किस तरीके से इसको फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो फोर्थ तरीका अपना सकते हैं। और फिफ्थ तरीका है कि आप उनको ऐसा बोल सकते हैं सिंपल कि मैंने एक जांचा परखा हुआ बिजनेस जो कि 100 साल 150 साल से चल रहा है, उसको मैंने अपने लाइफ टाइम का काम करने का सोच लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या ये काम मेरे लिए सही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पांचों चीजें रहेंगी, आप उसके अंदर आपको लगेगा कि हाँ सामने वाले को लगेगा कि मैं राय देने के लिए बुलाया जाऊँ। तो इंडिया के अंदर क्या है ना, एक आदत बहुत इंडिया के सभी लोगों के अंदर है कि उनको कुछ आता हो ना हो लेकिन वो राय जरूर बहुत अच्छे से देते। तो अगर जब आप लोगों को ऐसा कहेंगे कि अपने से बड़ों को कि आप मुझे राय देंगे, मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ एक भी जना आपको मना नहीं करेगा। 100% शायद 99.99 जने आपको यही कहेंगे कि हाँ मैं आपको राय देने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए किस टाइम पर आप फ्री है, और ये फोन ये कहेंगे आप किस टाइम पर फ्री है, तो आप उनको कोई भी टाइम बता सकते हैं और उससे आपको बहुत इजी मिलेगा अपने से बड़ों से बात करने का। यानी आज की जो भी युवा पीढ़ी है उन सभी को एक प्रॉब्लम रहती है, वो सभी अपने अपलाइंस को जगह रियल लाइफ बोलते ही बोलते हैं कि सर कहीं ना कहीं मेरे से छोटे से तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन मेरे से छोटे तो है कितने हैं, लगभग सब लोग मुझसे बड़े हैं, तो किस तरीके से बड़ों से बात करें। तो ये राय वाला जो तरीका है इससे आप 100% वर्क कर सकते हो और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, दो तरीकों के बारे में हमने बात कर ली, पहला सीधी अप्रोच, सेकेंड राय।